आज के टाइम पे बूट लोडर को अनलॉक करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ये इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है या फिर आप हार्ड मेहनत नहीं करते हो तो आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होगा ही नहीं। और इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो दिए हैं, ट्रिक वगैरह बता रखे हैं कि कैसे ये अनलॉक करना है ताकि आप अपने फ़ोन को रूट कर सको या जैसे मैं यहाँ पे कस्टम रोम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आप चीज़ें हैं जो कर पाओ अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो और आप ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे मैं कुछ और मेथड ऐड किया हूँ अपने चैनल पे, जिसका डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा, बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे क्या करना है और वो चीज़ आप करके अनलॉक कर सकते हो। लेकिन हर बार आप लोग ग्रुप में कहते हो कि सिंगल सिंगल रिप्लाई दो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और जो नया ट्रिक मैंने और ऐड किया है जो कि बाकी यूजर्स ने बताया है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है, वर्किंग रहता है तो कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के नीचे आके कि हाँ भाई मेथड वर्किंग है, ताकि बाकी अदर यूजर्स को भी ट्रस्ट हो सके, क्योंकि एक ट्रिकी मेथड है, रैंडम मेथड है तो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए काम करेगा एवरी टाइम, लेकिन हाँ करेगा तो आपको ट्राई करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको है जो मेरे इस चैनल को है जो ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को, जो कि आपको जो लिंक मिल जाएगा कहाँ पे गया ये रहा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करते समय इस तरीके से ऑप्शन आएगा, अगर लिंक काम नहीं करता तो टेलीग्राम पे कॉपी पेस्ट कर लेना। यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको बाकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिलते रहे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है क्लिक हियर टू प्रोवाइड ह्यूमन, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे एबल हो जाओगे ग्रुप में मैसेज वगैरह करने के लिए और बाकी चीज़ें चेक करने के लिए जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे आके आपको टाइप कर देना है बूट लोडर अनलॉक या अनलॉक बूट लोडर। यहाँ पे जैसे टाइप करोगे आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा और इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि ये ग्लिच मेथड है, 4-5 मेथड मैंने दे रखे हैं, सभी को आपको ट्राई करते रहना है, कोई ना कोई एक मेथड काम करेगा, थोड़ा लेट सही या वन टाइम में सही, लेकिन हाँ कर रहा है, डेली कुछ लोगों का यहाँ पे ऐड हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे एक नया चैनल पे आ जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी नीचे दो वीडियो दे रखे हैं कि बूट लोडर को कैसे अनलॉक करना है, पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है। एक पीसी मेथड, अगर आपके पास पीसी है तो, अगर पीसी नहीं है तो ये मोबाइल मेथड है, यानी दूसरे फोन का यूज करते हुए अपने पहले फोन का बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे, देख लेना पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये है कि आपका जो अकाउंट आपके फोन के अंदर ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो दो यहाँ पे लिंक मैंने दे रखे हैं, ये जो हमारा मेथड है ये सेटिंग एपीके इंस्टॉल करने का है और ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 13 और 14 पे ही काम करता है, वो भी सभी पे नहीं करता। तो आपका पुराना वर्जन है तो ये वाला है जो मेथड ट्राई कर लेना, इस वीडियो में बता रखा है कैसे यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्लिच मेथड अभी जस्ट मैंने नंबर डी ऐड करा है, जिनमें से कुछ मे भी आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया और बहुत सारे लोगों का अनलॉक भी हुआ है। तो यहाँ पे मेथड वन में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है, इसे आके रीड कर लेना, रीड करने के बाद आप ट्राई करना, आपका ये काम कर जाएगा। और हाँ, बैक टू बैक इंस्टेंटली ट्राई करना है, अभी ट्राई किया काम नहीं किया फिर से ट्राई किया काम नहीं किया ऐसे नहीं करना है, आपको एक बार ट्राई कर लेना है, फिर एक दो घंटे बाद ट्राई कर लेना है, शाम को करना है, सुबह करना है, दोपहर करना है, कुछ गैप दे दे के करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बैक टू बैक करते रहोगे तो आपका दिमाग खराब होगा और ग्लिच है भाई, एवरी टाइम हर सेकंड काम नहीं करता, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेथड भी, अगर फर्स्ट काम नहीं करता तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके देख लेना, यहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा और ये भी मेथड काम कर रहा है, बहुत लोगों का ऐड हुआ है जिनका ऐड नहीं हो रहा था। ये हमारा मेथड सी जो कि अभी फिलहाल नया है, 1-2 डे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो दिया था और इसके वजह से बहुत सारे लोगों का बूट लोडर अनलॉक हुआ है। देखो कि ये पोस्ट के बाद कितने लोगों का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक हुआ है, सारे पोस्ट यहाँ पे मिले हुए हैं जो कि मेरा है जो ग्रुप का ही है, जिस ग्रुप में मैंने अभी आपको ज्वाइन करने के बारे में बताया था। तो डेली जो कि मैंने टाइम बताया ना 9:30 का, उस समय जो लोगों का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक के लिए ऐड हो गया है और टाइमिंग वगैरह भी है जो मिला है, तो ये सारे प्रूफ भी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, क्योंकि कोई पेड सर्विस नहीं है, फ्री है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं बस चाह रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो भाई मर्जी आपकी है, तो डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है। तो ये था हमारा मेथड सी। अब एक और बंदे ने बताया कि भाई हमने थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव किया है और वो मेथड काम कर रहा है और कई सारे लोगों के लिए ऐड भी हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बस छोटा मोटा चेंज है। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक और वीडियो ऐड कर दिया है जो कि उस फ्रेंड ने ही है जो शेयर किया रिकॉर्ड करके, जहाँ पे उनका आप चैट भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। पहले क्या करना है, आपको Xiaomi अकाउंट को लॉगआउट कर लेना है, ऑल्सो जो यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको है जो डेटा क्लीन करना है और VPN कनेक्ट कर लेना है 111 लगा के। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग रीसेट करने के बाद डेवलपर सेटिंग में जाना है, आपका मी अकाउंट ऐड है तो उसे रिमूव कर देना है और डेवलपर सेटिंग में जहाँ पे बाइंड करने का ऑप्शन आता है, जो कि हमारे किस फ़ोन के अंदर है भाई, इसी फ़ोन के अंदर मैंने अभी आपको दिखाया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंड करने का ऑप्शन आता है ना, इस पे जैसे क्लिक करोगे वो आपको मी अकाउंट ऐड करने के लिए बोल देगा, क्योंकि आपने ऐड नहीं कर रखा है। तो VPN कनेक्ट रखना, मोबाइल इंटरनेट यूज करना, वाईफाई यूज मत करना इस प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही है जो कनेक्ट करके ऐड करोगे, कुछ देर में आपका पॉपअप हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे, और इन्होंने वीडियो दिया है जो कि वीडियो मैंने आपको जो यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप देख लेना। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों का प्रूफ दिखाता हूँ अपने ग्रुप में, जहाँ पे लोगों का अनलॉक भी हुआ है, क्योंकि मेरे सारे फ़ोन अनलॉक है तो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, बार बार एक ही चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ गाइड कर वो कर लेना, आपका अनलॉक हो जाएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट आता हूं इसके अबाउट सेशन पे, आ जाता हूं मीडिया के ऊपर। आप यहां पे देखो
कि कुछ लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ऐसा इशू आता है तो आप मे अकाउंट डिफरेंट ट्राई कर लेना। उसके बाद कई लोगों का कोड का भी प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिमिट इशू आएगा, यहाँ से परमिशन मिलने वाला नहीं है, लेकिन ग्लिच मेथड जो बताएं वो फॉलो करोगे तो यहाँ पे एरर आने के बाद भी आपका अकाउंट ऐड होगा। यहाँ पे देखो एक का बंदे का अनलॉक भी हो चुका है, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे भी अनलॉक हुआ है, और यहाँ पे आप देखो कि कोड एरर आ रहा है ना 20036, यहाँ पे कोड का इशू आ रहा है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से सिस्टम अपग्रेड का भी इशू आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके से कार्ड वेरीफाई का भी इशू आएगा, और जब कार्ड वेरीफाई का आएगा ना तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फोन का जो सिम है उसे चेंज कर लो या मी अकाउंट चेंज कर लो और फिर से ट्राई करो, आपका काम बन सकता है। अनदर यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे भी मे बी इनका जो अलग इशू है, इनका OTP नहीं आ रहा था। तो अगर आपको OTP नहीं आता है तो आपको कुछ टाइम बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि समटाइम सर्वर का इशू रहता है तो OTP नहीं मिलता, तो ऐसे में आप बार बार रिट्राई करते हो ना तो आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर से OTP भेजा ही नहीं जाता है। तो इसलिए थोड़ा देर बार ट्राई करना, और ध्यान रखना कि क्या पता OTP आपके WhatsApp पे भी चला गया हो, तो इसलिए WhatsApp भी चेक करते रहना। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट कोड है 20036 है, और हर कोड का डिफरेंट यहाँ पे मतलब भी होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि इनका नहीं, इनका अलग, हाँ इनका भी कोड है जो कि 20041, ये एक यूनिक कोड है जो कि बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये एरर उनको आता है जिनका डिवाइस ग्लोबल नहीं है, चाइना वाला है और बाकी आउट कंट्री में यूज कर रहे हैं, चाइना का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और उसे अनलॉक करना चाहते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको पता है क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको एक चाइना का अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐड हुआ है ना, ये कल का 9:30 का ये सारा स्क्रीन शॉट है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो चाइना का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल इसके ऊपर आ जाना है, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है जो कि आप देख सकते हो, अगर आपका है जो चाइना वाला डिवाइस है या फिर कोड वाला एरर आ रहा है, सब कुछ ऐड होने के बाद भी अनलॉक में दिक्कत आ रही है, तो सिंपल इस लिंक पर आप क्लिक कर दो, आपका जो ब्राउजर ओपन होगा जहाँ पे चाइना ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, 86 वाला यहाँ पे आपका जो नंबर दिखाया जाएगा इसमें आपको चेंज नहीं करना है, आपको सिंपल गूगल पे जाना है और कहीं से भी आपको टेम्परेरी है जो नंबर निकाल लेना है जो कि आपका चाइना नंबर प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे कई सारे आपको साइट्स मिल जाएंगे जो कि चाइना वाले नंबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सिंपल यहाँ से नंबर को लेना है, एक आपको यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट कर लेना है जो कि चाइना वाला आपका होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट को आपको अपने फोन के अंदर लॉग इन करना है और ट्राई करना है ऐड का। जैसे ही आपका ऐड हो जाएगा आपको फिर से जो टाइमिंग मिल जाएगा बूटलोडर अनलॉकिंग के लिए, जैसे ही टाइम मिलेगा अनलॉकिंग के लिए आप अपने फोन को अनलॉक कर लो, और अनलॉक करने के बाद उस अकाउंट को निकाल के फेंक दो, उसे रखना मत, क्योंकि आपने टेंपरेरी नंबर से जो अकाउंट क्रिएट किया है चाइना वाला तो बाद में दिक्कत कर सकता है। तो बूटलोडर अनलॉक करते टाइम तक कहीं आपको जो उसका यूज करना है उसके बाद उसे रिमूव कर देना है, और आपका जिस भी रीजन का है उसका आप अपना मी अकाउंट फिर से ऐड कर लेना। आई होप कि इस वीडियो से भी कुछ लोगों का हेल्प होने वाला है, और ये वीडियो आपको अगर पहले देख लेते हो तो आज का जो 9:30 है ना उस ट्रिक को आप जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि डेली है जो कुछ लोगों का यहाँ पे ऐड होता है 9:30 वाला मेथड जो कि हमारा यहाँ पे मेथड सी है, और आप चाहो तो ये मेथड डी भी यूज कर सकते हो 9:30 के टाइम पे, या फिर किसी और टाइम पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई नो कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देख के थक गए होगे, बोर हो गए होगे, कह रहे होगे कि भाई ये भी तो सिर्फ बता रहा है ये कर लो वो कर लो करके तो दिखा नहीं रहा। तो भाई एवरीडे तो मैं अनलॉक करके दिखा नहीं सकता, इतने सारे फोन है नहीं। और हाँ, कुछ लोग भाई अलग अलग टूल दिखाते हैं CMD वाला कि जिसे कमांड दे के हम परमिशन गेन कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, वो सारे मेथड यहीं पे बस आपको टूल पे दिखाया जाता है कि वो ट्राई कर रहा है ऐड करने का और फिर से बाद में ऐड हो जाता है। सारे प्रोसेस इसी वे से होकर जाते हैं, बस आप क्या करते हो कि यहाँ पे जो ऐड करने जाते हो ना मी कम्युनिटी पे सिंगल अपने हाथ से क्लिक करके ऐड करते हो, ये आपको है जो वहाँ पे कमांड का यूज करते हुए ऐड करना पड़ता है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, सारे मेथड एक ही है जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ट्राई करते रहो जितने भी मेथड दिए, किसी ना किसी से आपका है जो यहाँ पे काम बन जाएगा, और बार बार करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया नहीं हो रहा तो फिर दिमाग खाने लगो। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी है बूटलोडर अनलॉकिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आप ये हार्ड मेहनत नहीं करना चाहते तो भाई मैं कहूँ कि इनसे दूर ही रहो, क्योंकि बूटलोडर अनलॉक करने के बाद कस्टम होम डालना, रूट करना, ये सारी चीज़ें और भी हार्ड होती है, और आप सब कुछ कहते हो कि भाई सामने वाला करके दे दे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर आते हैं जो कि यही कहते हैं कि भाई बूटलोडर अनलॉक करके दे दो ना, भाई रूट करके दे दो ना, भाई कस्टम होम करके डाल दो ना, भाई सब कुछ जब हम ही कर देंगे तो आप क्यों फोन यूज करो, मत यूज करो सिंपली, क्योंकि आप अगर खुद से जो ये मेहनत करते हुए परमिशन नहीं ले सकते या फिर ऐड नहीं कर सकते तो फिर मत किसी से बोलो। और किसी से अगर पे करने की बात करते हो तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, ये मत करो, अदरवाइज पेमेंट लेके भाग जाएगा और आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। और यहाँ पे जो ऐड होना भूल ही जाओ कि ऐड होगा, बस जो मैंने मेथड बताया ना ग्लिच वाला वो ट्राई करते रहो, विदाउट परमिशन लिए हुए आपका यहाँ पे काम बनेगा, जैसा कि डेली जो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है जो काम बन रहा है जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मैं मिलता हूँ आपसे जो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी मेथड वगैरह आता है तो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, अपडेट करता जाऊँगा, इसलिए आप भाई यहाँ पे ज्वाइन रहना ताकि बाकी चीज़ें मिले, और वर्किंग रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना।